नमस्कार, मैं हूँ प्रिया। आज है 1 अप्रैल। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। छठ सफलतापूर्वक हुआ संपन्न। 4 दिवसीय अनुष्ठान महापर्व छठ का सफलतापूर्वक समापन हो गया है। हालांकि इस बार के चैती छठ में कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए तालाबों और पोखर को इस बार बंद करने का आदेश जारी किया गया था, जिसके बाद से सभी व्रतियों को उनके घर पर ही छठ के पर्व को मनाने का आदेश जारी किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप लोक आस्था का 4 दिवसीय पर्व कल यानी कि 31 मार्च को सूर्य के अर्घ्य के साथ सम्पन्न हो गया। बंद में आटे की मांग बढ़ी। कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए साथ ही लगातार दिन प्रतिदिन कोरोना के मामलों में इजाफे को देखते हुए आटे की मांग बढ़ गई है। इसके परिणाम स्वरूप आटे की कीमत भी बाजार में तेजी से ऊपर की तरफ भाग रही है। वहीं खबरों की माने तो शहर के ज्यादातर इलाकों में आटा मिलना बंद हो गया है, और जहां आटा मिल रहा है वहां भी लोग 35 से 45 रुपए की दर पर आटा बेच रहे हैं। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने सामने आकर के बाद लोगों को आश्वस्त किया कि वह बिहार में आटे की कोई कमी नहीं होने देंगे। कोरोना के टीके का इजाद का किया गया दावा। कोरोना के इस फैलते असर के बीच एक राहत की खबर सामने आई है, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने कोरोना के टीके को बनाने का दावा किया है। हालांकि कंपनी ने यह भी साफ कहा है कि कोरोना के इस टीके की परीक्षण की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। एक बार इस टीके के सफलतापूर्वक परीक्षण होने के बाद पूरी दुनिया को कोरोना पर बड़ी जीत होगी। बिजली कंपनी ने दी अपने उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। कोरोना के बीच बिजली कंपनियों ने अपने उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है, जिसके तहत कंपनियों ने अभी बिजली बिल नहीं जमा करने पर किसी भी घर के बिजली कनेक्शन को बंद नहीं करने का ऐलान जारी किया है। वहीं इस बार सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने को ध्यान में रखते हुए बिजली कंपनियां मैसेज और ईमेल पर लोगों को बिजली बिल भेज रही हैं। कोरोना पॉजिटिव पाई गई महिला को पटना एम्स से मिली छुट्टी। बिहार में लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एक अच्छी खबर आई है, जिसके तहत हाल ही में पटना के एम्स में एक महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जो कि दिघा के पॉल्सन रोड की रहने वाली थी। हालांकि अब वह बिल्कुल ठीक हो गई है और पटना एम्स से उन्हें छुट्टी मिल गई है, जिसकी जानकारी कोरोना के नोडल ऑफिसर डॉक्टर नीरज अग्रवाल ने देते हुए कहा है कि महिला का आइसोलेशन वार्ड में जाँच का काम खत्म हो चुका है और अब बिल्कुल पूरी तरीके से स्वस्थ और घर जाने के लिए बिल्कुल फिट है। बिहार में रेलवे की कोरोना को लेकर हुई बड़ी तैयारी। कोरोना के वर्तमान समय में भारत में तेजी से अपने पैर पसार रहा है, वहीं बिहार में भी कोरोना के कई मामले सामने आ रहे हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए रेलवे बोर्ड ने सभी जोन के ट्रेनों के कोच को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील करने का ऐलान जारी किया है, जिसके बाद पूर्व मध्य रेल ने फिलहाल 208 कोच को आइसोलेशन के लिए कन्वर्ट कर दिया है, यानी कि फिलहाल 1664 बेड तैयार हो गए हैं। सरकार ने कहा कोरोना की स्थिति से निपटने के लिए सामने आए प्राइवेट डॉक्टर्स। बिहार सरकार ने कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए आगे आए प्राइवेट डॉक्टर्स का धन्यवाद किया है, जिसके बाद सरकार ने कोरोना पर लगाम लगाने के लिए सभी प्राइवेट डॉक्टरों और पारामेडिकल कर्मियों से अपील कर उनकी सेवा उपलब्ध करवाने के लिए उनका आभार व्यक्त किया है। इतना ही नहीं, सरकार ने सभी प्राइवेट डॉक्टर्स से डीएम के साथ संपर्क बनाकर स्थिति पर नियंत्रण पाने की अपील भी की है। बाहर के राज्य से 50,000 से ज्यादा लोग पहुंचे बिहार। कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए दूसरे राज्यों से बिहार के लोग वापस बिहार की तरफ लौटने लगे थे, जिसके बाद लौटने वालों की संख्या लगभग 50,000 पहुंच चुकी थी। लगातार लोग पैदल ही बिहार की तरफ लौट रहे थे, जिसने सरकार की परेशानी और ज्यादा बढ़ा दी थी। हालांकि अब बिहार के सभी बॉर्डर को बंद कर दिया गया, फिर भी हजारों लोग अचानक से आ जाने से बिहार में कोरोना के प्रभाव को और ज्यादा बढ़ने का काम कर सकता है, जिसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने दी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि बॉर्डर पर सभी की जाँच की जा रही है, उसके बाद ही उन्हें उनके जिले में भेजा जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि यह संख्या अभी और बढ़ सकती है। मैट्रिक परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा होगी देर से। इंटर की परीक्षा के परिणाम को समय पर जारी करने के बाद बिहार बोर्ड ने ऐलान करते हुए यह बताया है कि मैट्रिक के रिजल्ट की घोषणा देरी से होगी। कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए 14 अप्रैल तक मैट्रिक की कॉपियों की जांच का काम रोक दिया गया है, जिसके तहत मैट्रिक का रिजल्ट देर से आने की संभावना जताई गई। हालांकि बिहार बोर्ड की माने तो 75% कॉपियों की जाँच हो चुकी है, सिर्फ 25% कॉपियों की जाँच करना बाकी है। कोरोना से आशंकित लोगों के लिए NMCH में लगा टीवी। कोरोना से आशंकित लोगों की जांच के लिए और साथ ही साथ उनके बेहतर उपचार के लिए NMCH ने अपने परिसर में टीवी को लगवा दिया है। खबरों की माने तो पटना के NMCH में आइसोलेशन वार्ड में कोरोना से आशंकित लोगों के लिए एंटरटेनमेंट की पूरी व्यवस्था की गई है, ताकि आइसोलेशन में रखे गए सभी लोग आसानी से और शांतिपूर्वक अपना आइसोलेशन पीरियड बिता सके। ज्ञात हो पटना में अब तक कोरोना के 15 से ज्यादा मामलों की पुष्टि हो चुकी है। बंद के बीच विद्यालय समिति ने लिया बड़ा निर्णय। नवोदय में कल से 25 मई तक गर्मी छुट्टी। कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 21 दिनों के बंद के ऐलान के बाद विद्यालय समिति ने बड़ा निर्णय लिया है, जिसके तहत नवोदय विद्यालय ने 1 अप्रैल से लेकर 25 मई तक गर्मी की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। इसके आगे प्रशासन ने कहा है कि अगर 25 मई तक कोरोना के मामलों पर सरकार नियंत्रण पा लेती है तो 26 मई से स्कूल खोल दिया जाएगा, नहीं तो इस तारीख को और आगे बढ़ा दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, नवोदय विद्यालय में आमतौर पर मई के महीने में गर्मी की छुट्टी की शुरुआत होती है, लेकिन कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए गर्मियों छुट्टी का ऐलान पहले ही कर दिया गया है।
तेजस्वी यादव ने की लोगों से घर में रहने की एक बार फिर से अपील। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से सभी आम नागरिकों को सरकार द्वारा दिए गए आदेश को याद दिलाते हुए उन्हें घर में रहने की अपील दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि कोरोना की स्थिति से हम सभी सिपाही हैं और हमारी चौखट ही हमारी सीमा है। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने कोरोना के नाम पर तरह तरह के भ्रम को फैलाने वाले लोगों की दलील पर यकीन न करने की अपील की है। ज्ञात हो, इससे पहले भी तेजस्वी यादव ने कोरोना की स्थिति से निकलने के लिए लोगों को धैर्य के साथ काम करने का आग्रह किया था। दूरदर्शन पर 1 अप्रैल से दोबारा से शुरू होगा चाणक्य और शक्तिमान समेत 5 सीरियल्स। कोरोना के फैलते असर को देखते हुए सरकार ने 21 दिनों के बंद का ऐलान किया था, जिसके बीच रामायण सीरियल की शुरुआत की गई थी, जिसके बाद रामायण की लोकप्रियता को देखते हुए दूरदर्शन पे अब शक्तिमान चाणक्य समेत अन्य सीरियल्स को भी शुरू करने का ऐलान जारी किया गया है। खबरों की माने तो 1 अप्रैल से चाणक्य, उपनिषद गंगा, शक्तिमान श्रीमान श्रीमती और कृष्ण कली का दोबारा प्रसारण किया जाएगा। पप्पू यादव ने की सभी आम नागरिकों से धैर्य के साथ काम करने की अपील। जा प्रमुख पप्पू यादव ने हाल ही में लोगों की मदद की पहल शुरू की है, जिसके तहत पप्पू यादव ने राजधानी सहित यूपी दिल्ली बॉर्डर पर लोगों की मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाया है, साथ ही उन्हें आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करवाई है। ज्ञात हो, कोरोना के कारण सरकार ने भारत को बंद करने का ऐलान जारी किया था, जिसके बाद से अलग अलग राज्य में रह रहे बिहार के लोग अपने राज्य की तरफ वापस लौटने लगे थे। यातायात की सेवा बंद होने के कारण सभी लोग पैदल आने पर मजबूर हो गए थे। कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत बैंक खातों में जल्द ही भेजी जाएगी राशि। पिछले महीने बेमौसम बरसात के कारण और बर्फ गिरने के कारण बर्बाद हुए फसलों के सरकार ने अब सभी किसानों के लिए अनुदान राशि देने का ऐलान किया है, जिसके तहत सरकार की कृषि विभाग में पंजीकृत किसानों को कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत असिंचित क्षेत्र के लिए 6,800 और सिंचित क्षेत्र के लिए 13,500 प्रति हेक्टेयर की दर पर देने का ऐलान किया गया है, जिसके लिए कृषि विभाग ने सभी किसानों को 28 मार्च से आवेदन भरने की अपील की थी। परिवहन विभाग ने लोगों को दी बड़ी राहत। परिवहन विभाग ने लोगों को बड़ी राहत दी है, जिसके तहत जिन लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी की परमिट और रजिस्ट्रेशन की वैधता फरवरी माह में समाप्त हो गई है, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परिवहन विभाग ने अब वैधता को बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया है। ज्ञात हो, बिहार सरकार के द्वारा इसके लिए आदेश हाल ही में जारी किया गया था, साथ ही साथ सरकार ने सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को इसके अनुपालन का निर्देश दिया है। अमरिंदर सिंह ने की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बातचीत। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बातचीत की, जिसके तहत उन्होंने पंजाब में रह रहे बिहार के लोगों की चिंता ना करने की अपील की है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने राज्य से लोगों की आवाजाही को बंद कर दिया था। वहीं पंजाब में रह रहे बिहार के लोगों से अपील की है कि वह बिहार की तरफ ना जाएं, पंजाब में ही रहें। कोरोना की बढ़ती संख्या के बीच जीविका दीदी ने अपने मास्क का ऑर्डर किया पूरा। बिहार में कोरोना की बढ़ती संख्या के बीच जीविका दीदियों की मेहनत रंग लाई है, जिसके तहत बिहार के सभी जीविका दीदियों ने 1,00,000 मास्क बनाने का अपना लक्ष्य पूरा कर लिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, कोरोना से निपटने के लिए वर्तमान समय में बिहार के 806 जीविका समूह मौजूद है। पटना में 2 दर्जन होटल को बनाया जाएगा आइसोलेशन सेंटर। कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए पटना के 2 दर्जन होटल को जल्द ही आइसोलेशन सेंटर में तब्दील किया जाएगा, जिसके लिए जिलाधिकारी कुमार रवि जल्दी होटल मालिकों से बातचीत करने वाले हैं। सिर्फ होटल को ही नहीं, सरकार ने कई सारे सरकारी भवनों और विभागों को भी आइसोलेशन सेंटर में तब्दील करने का फैसला जारी किया है। उद्योग मंत्री श्याम रजक ने भी कोरोना उन्मूलन कोष में दिए 1 करोड़ रुपए। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के बाद उद्योग मंत्री श्याम रजक ने कोरोना उन्मूलन कोष में 1 करोड़ रुपए का अंशदान देने का ऐलान किया है। सिर्फ श्याम रजक ने ही नहीं, बिहार सरकार के आदेशानुसार सभी विधायकों एवं विधान पार्षदों के 50,00,000 के अंशदान राशि के अलावा श्याम रजक ने भी खुद की तरफ से 50,00,000 का अतिरिक्त अंशदान दिया है। वहीं जदयू नेता रितेश रंजन सिंह ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 5,00,000 की राशि दी है। कोरोना के बढ़ते असर के बीच डॉक्टरों के पक्ष में बोले लालू यादव, कोरोना धीरे धीरे करके बिहार में बढ़ता ही जा रहा है। बीते दिन तक 16 मामले पॉजिटिव पाए गए थे। इसी बीच लगातार बिहार के डॉक्टर्स का वीडियो भी सामने आ रहा है, जिसमें वह सभी डॉक्टर्स सरकार के पर्याप्त किट मुहैया करवाने की मांग कर रहे हैं, जिसके बाद अब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी डॉक्टर्स के पक्ष में बोलते हुए नजर आए हैं, जिसके तहत उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी पर तंज कसा है और कहा है कि नीतीश सुशील जी ईका कर रहे बा डॉक्टर बिटियन के जान से काहे खिलवाड़ करे तारे। अब मास्क और ग्लव्स को खत्म करेगा नगर निगम। कोरोना के फैलते असर को देखते हुए नगर निगम ने अहम फैसला लिया है, जिसके तहत अब नगर निगम में पूरे शहर में लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले मास्क और ग्लव्स को खत्म करने का ऐलान जारी किया है। इस दिशा में नगर निगम ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के साथ मिलकर इस मुहिम की पहल की है, जिसके बाद अब नगर निगम के सभी अधिकारी डोर टू डोर सेवा और रोड टू रोड सेवा में लगाई गई गाड़ियों में विशेष थैला रखेंगे, जिसमें लोग इस्तेमाल किए गए ग्लव्स और मास्क को रख सकेंगे। पटना के खेमनीचक के बाद अब
कई इलाकों को किया गया पूरी तरीके से बंद। बीते दिन पटना के खेमनीचक में मिले कोरोना के पॉजिटिव मामले के बाद खेमनीचक इलाके को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था, जिसके बाद खेमनीचक से सटे इलाके को भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। खबरों के माने तो पटना के जगनपुरा और गौरीचक में लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई, वहीं जगनपुरा जाने के रास्ते पर भी बैरिकेडिंग करते हुए बंद कर दिया गया है। जियो ने अपने प्लान्स में किए बदलाव। कोरोना के बढ़ते असर के बीच रिलायंस ने अपने सभी ग्राहकों के लिए 10 गुना लाभ देने वाले नए ऑफर्स का ऐलान किया है, जिसके तहत कंपनी ने ऐलान किया है कि जियो ग्राहक को आने वाले 17 अप्रैल तक 100 मिनट कॉलिंग और SMS भी मिलेगा। इतना ही नहीं, अगर इनकमिंग वैलिडिटी खत्म हो जाती तो ग्राहकों को इनकमिंग सेवा भी उपलब्ध मिलेगी। बिहार में 5 नए मामलों की हुई पुष्टि। दुनिया भर में फैले कोरोना ने अब बिहार में भी पैर पसारने शुरू कर दिए हैं, जिसके तहत अचानक से बिहार में 5 नए मामलों की पुष्टि की गई है, जिसमें से एक व्यक्ति गया जिले का रहने वाला है, वहीं 4 अन्य जो है वो सिवान जिले के रहने वाले हैं, जिस पर अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी अपना बयान दिया है, जिसके तहत स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता लव अग्रवाल ने कहा है कि कोरोना के बिहार में बढ़ने के मूल कारण वहां के रहने वाले आम व्यक्ति ही हैं, क्योंकि बार बार समझाने के बावजूद लोग बंद का पालन नहीं कर रहे हैं। वहीं बिहार में अब तक कोरोना के मामलों की बात करें तो यह आंकड़ा 21 पर पहुंच गया है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है विकी कुमार, संतोष कुमार, पीयूष कुमार, सुधांशु कुमार, शांति कुमारी, विनय यादव, श्रीनाथ कुमार, राहुल कुमार, जोगेंद्र सहनी, सोनू लाल यादव, नवीन राज, प्रमोद शर्मा, बबलू सिंह, राहुल कुमार, मोहम्मद एहसान हुसैन। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, कोरोना से बचाव में लगे हुए सभी सुरक्षाकर्मी, पुलिसकर्मी, सफाईकर्मी, मेडिकल स्टाफ आदि जो लोग भी कोरोना के प्रभाव को कम करने में लगे हुए हैं, उनको आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।